बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया बाई हंडवाड़ा पुलिस और 22 आरआर जो आर्मी की यहाँ पर यूनिट है प्लस सीआरपीएफ के साथ। तो जब ये सर्च पार्टी जब वहाँ पर रोज कर रही थी तो टेररिस्ट ने वहाँ से जो है फायरिंग शुरू कर दी, तो वहाँ पर जो है इनकाउंटर स्टार्ट हो गया। तो लगभग ये 3 दिन जो है इनकाउंटर चला है, जिसमें जो है हमारे जो है पुलिस के जो है 2 जवान जो है उसमें शहीद हुए और सीआरपीएफ के जवान जो है 2, एक इंस्पेक्टर था उसमें और एक कांस्टेबल था जो कि निश्चित जो है वहाँ पर शहीद हो गए थे। आज जो था एक और जो है हेड कांस्टेबल है एसएन यादव जो इसे कम कर गए हैं कि उनको इंजरी वहाँ पर उस वक्त हुई थी। तो इसमें टेररिस्ट जो है जिनके जो जिसमें की जो डेथ हुई है जो टेररिस्ट जो है उसमें एक की आइडेंटिफिकेशन जो हुई है उसका नाम है काबुल्ला, कोड नेम इज काबुल्ला और वो जो है रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान सर। तो बाकी जो सेकंड वन है उसकी अभी आइडेंटिटी जो है वो अभी एस्केप करनी है सर। व्हाट एवर ऑर्गेनाइजेशन में जो है 2 AK-47 है और जो है 4 मैगजीन्स हैं और बाकी कुछ इंक्रिमिनेटिव मटेरियल्स मिले हैं। तो अभी जो है फैक्ट्स अभी एसर्टेन कर रहे हैं सर। व्हाई दैट एरिया वाज वैसे वेरी बिल्ट अप एरिया, वहाँ पर आपको पता ही है कि कंजेस्टेड एरिया था, लेंस बाय लेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड थी। तो हमेशा अप्रोच यही रहती है रिस्ट्रेन मैक्सिमम बरता जाता है कि कोई ज़्यादा डैमेज ना हो, तो इसलिए जो है हमें हमारी कोशिश यही रहती है कि कोई सिविलियन कैजुअल्टी ना हो जाए या और फर्दर को नुकसान ना हो जाए, इसलिए थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लगा सर। काबुला को हमने वैक्यूट किया था वहाँ से, सभी को वहाँ से वैक्यूट करके उसके बाद हर घर को जो है पूरा सर्च करके ताकि आगे पीछे कोई सिविलियन ना हो, और उसके बाद ही जो है ये हमने जो है ऑपरेशन किया था जी। ये लश्कर सर 2 ही थे उससे ज़्यादा। थैंक यू सर।